हेलो फ्रेंड्स, किसमिस किचन में आपको स्वागत है। आज मैं एक नॉन वेज रेसिपी लेके आई, तो उसके लिए मेरे को रेसिपी के लिए क्या क्या लगता है वो भी बताती हूँ, रेसिपी के नाम भी बताती हूँ। इसके एक फ़िश भापे भापे, ये पूरा बॉयल होंगे ये फ़िश। ये जो फ़िश है, ये फ़िश किसी ने बाम बोलते हैं, किसी साटिन बोलते हैं, ये फ़िश से मैं आज बनाऊँगी। तो ये फ़िश मैं अच्छे से वॉश करके इसके नमक और हल्दी लगा के मैंने 1 घंटा रख दिया, फिर इसे मैं बनाऊँगी। इसीलिए क्या क्या चाहिए, फ़िश, हरी मिर्च, सरसों, नमक, हल्दी और ऑयल, इससे मैं बनाऊंगी भापा फिश। तो कैसे बनाते दिखाते। पहले ये सरसों पीस लेती हूँ और इसके साथ जो हरी मिर्च, ये 4 हरी मिर्च मैं इसे डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के मैं पीस लेती हूँ। मैंने सरसों पीस लिया, अभी कैसे मैं बनाती हूँ अभी दिखा रही हूँ आपको। एक बर्तन लिया, इसके अंदर ये फिश ले लिया, फिर इसके अंदर मैं जो सरसों ये डाल रही, स्वाद अनुजाई नमक, हल्दी, ऑयल। ये जो क्वांटिटी आपके हिसाब से आप डालिए जितना चाहिए। मैं सरसों ये 4 पीस की हिसाब से मैंने सरसों लिया, मिर्च भी वैसे लिया। थोड़ा टाइम मैंने इसे रख रही। मैं एक टिफिन बॉक्स लिया, इसके अंदर मैं ये फिश ऐसे डाल देती हूँ। और ऊपर से ये सरसों भी डाल रहे हैं, इसके पानी ऐड नहीं करना है, ये पूरा भाप से ये बॉईल हो जाएगा पूरा। इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्च डाल रही, अभी मैं थोड़ा तेल ऐड कर रही अभी ऊपर से। फिर इसके अंदर ये ढक्कन, अभी मैं कढ़ाई के ऊपर दिया और इसके अंदर मैं पानी डाल रही, ये पानी के अंदर ये बॉईल होगा। मैं इस पानी के अंदर ये डाल रही और धीरे धीरे पानी गर्म होता जाएगा और ये फिश पकना चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं ये ढाँक देती हूँ, अभी ये कम से कम 20 मिनट इसे पकने के टाइम लगता है। फिर 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ओपन करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये अभी चुका है, पानी पूरा आधा से कम हो गई। अभी गैस बंद कर देती मैं। चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको कैसे है ये भापा फिश। ये देखिए बनके तैयार हो गई। ये देखिए इसके ग्रेवी कैसे बना हुआ है, देखिए ये चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा देखिए ऑयल आई, ये देखिए पूरा ऑयल ऊपर आ गई। तो ये गरम गरम चावल के साथ बढ़िया लगता है।